सामईन नाज़रीन, इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी आपकी बेहतर सेहत के लिए और आपको परेशानियों से बचाने के लिए, बीमारियों के घर आप बनाने के लिए, उससे बचाने के लिए मुस्तकिल वीडियो के सिलसिले को जारी किए हुए हैं। आज हम जो सिलसिले में आजकल तस्करा करें वो ओबेसिटी और डाइट वगैरह जिस्मानी सेहत है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि ओबेसिटी और हाई ब्लड प्रेशर इसका जैसे कि चोली दामन के साथ है। मुख्तलिफ ममालिक में इमराज कल्ब, जिगर, गुर्दों और आँखों के इमराज की अहम वजह ब्लड प्रेशर है। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन एक ऐसा मर्ज है जिससे मरीज़ अमूमन इस वक्त तक नावाकिफ होता है जब तक इसकी पेचीदगियाँ सामने नहीं आ जाती हैं। यही वजह है कि उसे खामोश कातिल कहा जाता है, यानी पहले पता नहीं चलता, आहिस्ता आहिस्ता अंदर घुन लगता रहता है। हाई ब्लड प्रेशर की एक अहम वजह वज़न की ज़्यादती यानी मोटापा है। ऐसे अफराद जो मोटापे की तरफ माइल हो जाते हैं वो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होने लगते हैं। इस बड़ी और अहम वजह यानी मोटापे पर अगर काबू पा लिया जाए तो इसकी पेचीदगियों में दिल के दौरे, फालिज, गुर्दे फेल होने या आँखों के मुतासर होने से बचा जा सकता है। अक्सर गरीब ममालिक की अक्सरियत जो होती है वो ज़ाहिर है कि गुर्बत का शिकार होती है, इसलिए वो अमराज कल्ब के अखरात जो हाई ब्लड प्रेशर के सबब होते हैं बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखते। इसलिए बेहतर ये सबसे बेहतरीन बात यह है कि हाई ब्लड प्रेशर से बचकर इन बीमारियों से जो ज़िंदगी भर का रोग बन जाती हैं महफूज रह जाए, और इसका बेहतरीन तरीका यही है कि अपने वज़न को काबू में रखा जाए। माहिरीन के मुताबिक 10 किलो तक वज़न में कमी करना हाई ब्लड प्रेशर की कमी का सबब बनता है। इससे तकरीबन 20 mm मरकरी का फ़र्क आ सकता है। अब हम आपको ये बताएंगे कि मोटापा और हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल क्या है। ज़ायद वज़न अफराद में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल जैसे अवारिस का पैदा होना लाजमी होता है, यानी ऐसे अमराज पैदा हो जाते हैं। माहिरीन ने बारहा इस बात की तस्दीक की है कि ये तीनों अवामिल दिल के आर्जे हैं, यानी दिल के अमराज हैं। मुख्तलिफ मुशाहदात के दौरान हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल यानी कि अदम मौजूदगी के बाइस मोटे अफराद दिल की शरियानों के मर्ज़ के ख़तरे से दो चार हो जाते हैं। मोटापे के शिकार अफराद में अमूमन ब्लड कोलेस्ट्रॉल की सतह बहुत बुलंद होती है और इसमें ट्राइग्लिसराइड यानी LDL यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल की मकदार ज़्यादा होती है। मोटे अफराद आमतौर पर मुरक्कन ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं। ऐसी तमाम ग़िज़ाओं में मौजूद इजाफी कैलोरीज, चिकनाइयाँ और कोलेस्ट्रॉल जिस्म में चिकनाइयों की मकदार बढ़ाने का सबब बनते हैं। अगर मोटे अफराद या मोटापे की तरफ माइल अफराद अपना वज़न कंट्रोल कर लेते हैं तो उनमें ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल में आ जाता है, जिसकी वजह से वो दिल के कई अमराज से बच सकते हैं। अगर ज़ायद वज़न किसी फ़र्द को एक बार हार्ट अटैक हो जाए तो इसकी मौत के इम्कानात हार्ट अटैक के शिकार किसी ऐसे फर्द से ज़्यादा होते हैं जिसका वज़न यानी कि जिस्मानी वज़न नॉर्मल हो। हार्ट अटैक के शिकार मोटे अफराद में शरह अम्बात इसलिए भी ज़्यादा होती हैं कि उनके खून में क्लॉट्स बनने का अमल और इन क्लॉट्स को दिल और दिमाग की तरफ भेजने का अमल बाकी अफराद की नस्बत तेज़ होता है।